आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की फुरारशी शरीफ के नेता अब्बास सिद्दीकी के साथ बैठक होनी है। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी की नजर है। आपको बता दें, चुनाव में अपनी पार्टी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है ओवैसी, तो वोट बैंक पर ओवैसी की नजर, चुनाव में अपनी पार्टी प्रत्याशी उतार सकते हैं। AIMIM के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी। आपको बता दें कि ओवैसी की फुरा शरीफ के नेता अब्बास सिद्दीकी के साथ बैठक है। तो बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी की नजर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, मुस्लिम वोट बैंक पर अब ओवैसी की नजर, बंगाल दौरे पर है ओवैसी। देखिए, सबकी नजरें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पे टिकी हुई है और खास करके मुस्लिम वोटरों पे, क्योंकि जिस समय वाम मोर्चा की सरकार थी, मुस्लिम वोटरों का एक तरफा रुझान वाम मोर्चा की तरफ हुआ करता था। लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन जब 2011 में हुई, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, उस समय मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा योगदान था ममता बनर्जी के साथ, जो कम्प्लीटली वाम मोर्चा से तृणमूल कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर गया था। एक बार फिर से मुस्लिम वोटरों को लेकर के खींचातानी की स्थिति है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से ओवैसी की पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की, 4-5 सीटों पे जीतने के बाद उन्होंने घोषणा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं, वहां भी उनकी पार्टी लड़ेगी। और यहाँ पे ताहा सिद्दीकी है, जो कुरकुरा शरीफ के प्रमुख है, और उनकी यहाँ के बांग्लादेशी मुस्लिम जिसे कहते हैं, यहाँ पे रिफ्यूजी मुस्लिमों में जिनके पास वोटर कार्ड भी है, वोटर का अधिकार भी है, उन पे उनके पार्टी जो है अपने प्रत्याशियों को उतार सकती है कितनी सीटों पर? देखिए, बांग्लादेश से सटे हुए जो जिला है, मुर्शिदाबाद आप कह लीजिए, मालदा कह लीजिए, नदिया कह लीजिए, 5-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे लगभग 40-45 सीटों पे मुस्लिम वोटरों का ठीक ठाक प्रभाव है, और ऐसे जो वोट है वो प्रभावित हो सकते हैं। तो इन दोनों ही पार्टियों का इन सीटों पे खास नजर है, और अगर ये दोनों ही लोग गठबंधन करते हैं तो इसका भारी नुकसान, अगर आप कह सकते हैं, तो तृणमूल कांग्रेस को हो सकता है। और अगर ओवैसी और ताहा सिद्दीकी की जो संगठन है फुरकुरा शरीफ, अगर ये दोनों लोग एक गठबंधन बनाकर यहाँ चुनाव में उतरते हैं, तो मुस्लिम वोटरों का एक जो ध्रुवीकरण की राजनीति है वो जरूर इनको लाभ मिलेगा, और कुछ सीटों पे नहीं तो लगभग 15-20 सीटों को ये जरूर प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जी चलिए दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और फुरफुरा शरीफ के नेता अब्बास सिद्दीकी के साथ वो बैठक कर सकते हैं, और मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी की नजर है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटों पर ओवैसी आखिर अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं।